तो गाइस बाइक हमारी पूरी तरह जाने के लिए तैयार हो चुकी है, अब हम थोड़ी ही देर में यहाँ से निकलेंगे और वीडियो में बाइक को देख ही सकते हो। तो गाइस हम निकल चुके हैं घर से, अब हम करुणा की तरफ, और रास्ते में बारिश की वजह से थोड़ा सा हमें स्टे करना पड़ा, और मेरा फ्रेंड अपने भाई को लेने गया रास्ते में, और साथ में मेरा भाई, बड़ा भाई अक्षय भाई, हेलो कर दो, हेलो। थोड़ी ही देर में, बस 5-10 मिनट में हम यहाँ से निकल जाएंगे अपने करुणा के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे वहाँ से देवधार, देवधार के बाद जाएंगे हम शिकारी देवी, शिकारी देवी में हमारा स्टे होगा। ठीक है गाइस, ओके। हम पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हैं रास्ते में, और यहाँ से मेरा भाई थोड़ी देर में आता ही होगा अपने फैमिली के साथ, फिर यहाँ से हम सीधा निकल जाएंगे करुणा की तरफ। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगा मैं कि हाँ, देवधार का रास्ता और शिकारी देवी का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको वीडियो में दिखाऊँगा, तो वीडियो में बने रहना। गाइस हम गल फल के पास पहुँच चुके, और यहाँ पर बारिश की वजह से हमें दोबारा से रुकना पड़ा, और पेट्रोल पंप के अलावा कोई भी जगह हमें रुकने के लिए नहीं मिली, क्योंकि ऑलमोस्ट सुबह सुबह के टाइम में सब कुछ बंद था। तो आप यहाँ पर व्यू देख ही सकते हो, धूप पड़ी हुई है, बारिश हल्की हल्की लगी हुई है, और बाइक के साथ तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके अपने अगले ब्लॉग के लिए चल रहे हैं। YouTube पे शेयर करो, शेयर करो भाई का ढाबा कहाँ पे, नहर चौक का सबसे बेस्ट ढाबा। तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, अब यहाँ से हम सीधा निकलेंगे कमरू नाथ के लिए। बुलेट की हालत देख ही सकते हो कि साइलेंसर से कितना धुआं निकल रहा है, देखो देखने लगती है। रास्ते में हमारा नया दोस्त, बस 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 बड़का चलने आ रहा, देखिए शख्स को गौर से चलना है, सीधी गल वीडियो बनानी मेरे भी ना, फोटो जय हो कमलनाथ देवता जी। वो कहाँ गए थे? मुख्य बैग में हो वो भाई, बहुत ही गंदा रास्ता है यार, नीचे दिखाओ ऐसे पूरे नीचे कैसे, यहाँ भी कैसे रास्ता है। ओ रे राजा रे, अब भाई बारिश के टाइम में तो गंगा कब आओ मत, क्यों अक्षय भाई भाई बुलेट तुम्हारी बाइक जान देना बंद कर देगी, खाते टाइम अपने आप ही मेरे रेस्ट का आते 10 मिनट का ऐसे हो दुखी बाइक अभी हमें यहाँ से बाइक चलाना इतना कठिन हो गया कि पता नहीं सकता पूरी गाड़े सारे यहाँ से।
ये दो लौंडे अभी गिरे हैं जो आगे चल रहे बजाय बाइक की बिजली की। अभी इनके पिछवाड़े में लगी इसलिए कह नहीं रहे। ओ ये कर कर बैठे बन के ट्रक के भी हूं बुलट जवाब देते थे इस भाई के कांधे में जवाब पूरा सकती भाई है ना। आई ये पक्का रास्ता है। ओ बाप रे। तो गाइस फाइनली हमने ऑफ रोड वाला रास्ता क्लियर कर दिया। अब हम पहुंच गए हैं मेलिंग पे। तब रोड 11 किलोमीटर दस तो कम रहा इस रोड पे ना ही भगाए तो ही बेहतर। वो लड़की ने कैप्चर कर ली है। HP 74 74 A 0354 भाई तो हमारा भाई यहाँ पे 25 काट रहे हैं भाई। क्या भाई फीस कितनी है? 50 रुपये 1v2 आने जाने दोनों ठीक है सर। नहीं लगी लगी बहुत लड़ी है ना बंदों की थोड़ा नहीं है देखो यार शुगर भी सर नहीं देखो दे दे 100 रुपया उन्हें खुद ही 100 दिन कर रहा है। और पकड़ से बहुत चिंता भी आया वहाँ तो इस पर आलम दे तो भाजन दे रहा है